नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर एलन वैष्णव। गुरु नानक देव जी के प्रकाशोत्सव पर्व को लेकर पूरे देश भर में विभिन्न प्रकार के आयोजन किए जा रहे हैं। बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के दमोह की। दमोह जिला मुख्यालय पर एक भव्य शोभा यात्रा गुरुद्वारे से निकाली गई, जो नगर के प्रमुख मार्गों से होकर निकली। जगह जगह इस शोभा यात्रा का भव्य स्वागत हुआ। पंच प्यारे इस शोभा यात्रा के प्रमुख आकर्षण का केंद्र थे। वहीं दूसरी ओर सिख पंथ के अनुयायी बड़ी संख्या में इस शोभा यात्रा में सम्मिलित थे। महिलाएं और बच्चे कीर्तन कर रहे थे और वाहेगुरु वाहेगुरु का स्मरण कर रहे थे। इस अवसर पर यह शोभा यात्रा जहां जहां से निकली, लोगों ने पुष्प बरसाए, स्वागत किया, शीतल पेयजल पिलाया और मिष्ठान भी खिलाया। प्रकाशोत्सव पर्व पर प्रति वर्ष विभिन्न प्रकार के आयोजन होते हैं और इसी के क्रम में इस वर्ष भी यह आयोजन हुआ। नगर में विभिन्न मार्गों में आकर्षक रोशनी लगाई गई है, साज सज्जा की गई है। दमोह के हृदय स्थल घंटाघर पर भी आकर्षक रोशनी है, सजावट है और संकीर्तन की मधुर मधुर ध्वनि पूरे नगर में गूंज रही है। प्रकाशोत्सव पर्व है, गुरु नानक देव जी की जयंती का अवसर है और इस अवसर पर सभी एक दूसरे को शुभकामनाएं दे रहे हैं।